आता हूँ। अब तो लगता है फूलझड़ी फटने वाली आएगी कुछ सालों में। दो टाइप के कुत्ते हैं, एक कुत्ता ये जो नीचे बैठ रखा है छुप रखा है, और एक कुत्ता ये। माइक बहुत ज्यादा डर रहा है, बहुत ज्यादा पटाखों से। मचेरी को देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा पटाखों के लिए जो पटाखे फूट रहे हैं उन पे भौंक रहा है। तो गाइस, सबसे बढ़िया चीज देखिए, ये कोदे के चिप्स है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमकेशर व्लॉग्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम शिवम गुगरेती है। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो गाइस, आज जो व्लॉग है वो दिवाली का है। तो मैंने कल रंगोली बनाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ डेकोरेट करने के बाद आज जो काम है वो दिवाली का है। तो देखते हैं अभी जो जो काम बचता है वो करेंगे, और आज फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाएंगे क्योंकि दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो आज का जो फेस्टिवल होगा बहुत प्यारा होगा, तो चलते हैं आगे। तो गाइस, सबसे बढ़िया चीज़ देखिए, ये कोदे के चिप्स हैं। ये कोदे के बनाए गए हैं। कोदा आपको पता होगा, हमारे गढ़वाल में इसी की रोटी वगैरह बनती है और इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो इस बार हमने इसके चिप्स बनाए हैं। बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो गाइस, नाश्ता नाश्ता करने के बाद अब हम थोड़ा फैक्ट्री जा रहे हैं। तो गाइज़, मैंने आपको बताया नहीं, बट मेरे पापा की नमकीन की फैक्ट्री है, तो थोड़ा हम वहाँ पे जाएंगे और देख के आते हैं वहाँ पे। वो अभी एक्चुअली नहीं बन रही है, तो थोड़ा भैया लोग वहाँ पे उनके साथ जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है अभी। और ये देखो, चेरी को खुश इतना हो रहा है। तो गाइस देखो, अभी हम कुंवाला पहुंच चुके हैं और यहीं पे है फैक्ट्री, यहाँ से अंदर जा करके। तो अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस, अभी ये न्यू फैक्ट्री रेनोवेट हो रही है, नई बन रही है। जो पुरानी है वो दूसरी साइड है, तो अभी इसको बनने में खैर टाइम लगेगा। तो जब बनेगा तब हम आपको इसका भी फैक्ट्री भी दिखाएंगे ढंग से। उस साइड भट्टी है, तो वहाँ पे नमकीन बनेगी। अभी तो फ़िलहाल ये रेनोवेशन पे चल रहा है। तो गाइस, यहाँ गेट बनेगा और यहाँ से एंट्रेंस होगी। फ़िलहाल के लिए अभी तो टाइम है बनने में काफ़ी। तो जो नमकीन है वो अभी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रखी है, जो बन रखी थी। खैर, शायद इस महीने कंप्लीट हो जाएगा काम, क्योंकि अभी पूरा ऊपर से टीन शेड वगैरह सब कुछ डल चुका है। टीन शेड डलने के बाद सब कुछ अलग हो चुका है। तो गाइस, सब डायरेक्ट मिलते घर पे, घर की ओर चलते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है, मिठाइयाँ वगैरह लेनी भी और देनी भी है। तो चलते हैं घर की ओर। तो गाइस, यहाँ बैठे बैठे इतनी लेट हो गई, मैं गुनवीर की दुकान पे आ रहा हूँ, अपने दोस्त के यहाँ बिक्री कराने आ रहा हूँ, और पता ही चला टाइम की कितनी रात हो गई। तो अभी घर चलते हैं सबको लेके। तो गाइस, अभी देखो मैं घर आ चुका हूँ, और ये कल की जो लाइट लगाई थी, तो देख सकते हैं ये लाइट का कल का काम था। और अब अंदर चलते हैं। और ये कल की रंगोली, होपफुली मैंने जेरी को बाहर नहीं आने दिया है। जेरी कल अगर आ रहा है तो मेरी निगरानी पे आ रहा है, मेरी निगरानी पे जा रहा है। और ये है कल की रंगोली, जैसे कि आपने देखी थी जो। तो अंदर चलते हैं और फटाफट से तैयारी करते हैं अभी, क्योंकि बहुत जगह जाना है मेरे को मिठाई वगैरह देने के लिए। क्या है देखो, क्या चाहिए? इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। आ जा, जल्दी जरा। और माइक, गाइस देखो, माइक इतना डर रखा है, इतना डर रखा है कि क्या माइक। चल अंदर, चल, 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 आ जा माइक, आ जा। फिर देखना माइक कहाँ जाके छुपता है। चल माइक, बैठ जा अपनी जगह पर। गाइस देखिए, तो दो टाइप के कुत्ते हैं, एक कुत्ता ये जो नीचे बैठ रखा है छुप रखा है, और एक कुत्ता ये है। माइक बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत ज़्यादा पटाखों से। मचेरी को देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा पटाखों के लिए जो पटाखे फूट रहे हैं उन पे भौंक रहा है।
क्या दिक्कत है भाई? इसको बिल्कुल डर नहीं लगता गाइस, बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरी रंगोली खराब ना करे इसलिए आज अंदर ही है, बाहर नहीं रहा है। और फटाफट से पूजा करते हैं, फिर दिए जला करके सारी मिठाई देंगे। और ये देखो गाइस कैसे पैर पकड़ लेता है। जस्ट अभी पूजा खत्म करिए और ये लेके चलते हैं बाहर दिए लगाने। तो सबसे पहले जाएगा दिया हमारा रंगोली पे, ऐसे ये जाएगा हमारा तुलसी माता के पास। तो गाइस मम्मी तो लगा देगी गेट पे, गेट के आगे पे, हम ऊपर पे लगाते हैं। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं दो एक दिया हमेशा पहले जो हमारे फौजी हैं जितने भी शहीद हुए हर साल उनके लिए लगाते हुए उनके नाम पे, और एक उनके जिनका कोई नहीं है। आज एक और दिया जलाया जाएगा। तो गाइस ये तो जाएगा हमारा किनारों पे, चारों किनारों पे। ये जाएगा यहाँ और ये आखिर जाएगा आखिरी किनारों पे। अभी इतने पटाखे बम पटाखे फूट रहे हैं। तो गाइस ये वाला दिया जो है हमारी बहन अंकिता भंडारी के लिए जिसकी अभी मृत्यु हुई है, तो वो जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति मिले और खुश रहे, ये उनके लिए दिया है, उनको शांति मिले उनकी आत्मा को। और ये उनके लिए जो हमारे लिए अपनी जान गंवा देते हैं, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं शहीदों के लिए, उनके नाम पे भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। ये दिया उनके नाम जिनका कोई नहीं है और उनको भी खुशी मिले। तो गाइस डन, दिए दिए सब जला लिए हर जगह, यहाँ रंगोली पे भी लगा दिया है और गेटों पे भी। तो गाइस हर जगह देने के बाद फाइनली अब टाइम मिल चुका है और कॉलोनी में डांस वांस हो रहा है, पार्टी वूटी हो रही है, चलते। ओ भाई साहब कौन था ये, कौन था ये? इन बच्चों को देखो भैया, दूर हट जाओ, देखो किस पे आता हो। अपने घर में बैठ दिया। तो गाइस डांस चल रहा है यहाँ पे फुल। वहाँ पे डायनामाइट जलाया जा रहा है। ए छोटू हट। तो गाइस अब बारी आ चुकी है इसको जलाने की, स्काई लैंटर्न को। ये उड़ेगा मुझे लग रहा है। इसमें हवा भर गई। भर गई। तो गाइस ये फाइनली इतनी मुश्किल से जला है। गाइस ये फाइनली हमारी जो लैंटर्न है वो जल गई है। गाइस देखिए कहाँ तक जा चुका है। गाइस हमारी स्काई लैंटर्न वहाँ पहुँच चुकी है, इतनी दूर आसमान में तारों की साइड सन लग रहा है अभी तो। चलो गाइस दिवाली भी अच्छे से मना ली। तो गाइस ये आखिरी फूलझड़ी है, अब तो लगता है फूलझड़ी फटने वाली आएगी कुछ सालों में नहीं। तो गाइस इतने ही पटाखे थे, फूलझड़ी और थोड़े बम्बू में, वो हमने इतने सारे फोड़ दिए, अब तो क्या ही फोड़ना। और घर के साइड में इसलिए ही फोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइक है और अपने माइक को देखा था, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है सब चीज़ें देख के। तो अब चलते हैं, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस अब चलते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, हैप्पी दिवाली।
और अभी बहुत लेट हो चुकी है, अभी 1 बज चुका है। तो अब जाते हैं, सोते हैं, और दिवाली के ब्लॉग ये इतना ही था। अगर आपको दिवाली का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।